हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू फोर्टी फाइव सोल्यूशंस सो द एजेंडा ऑफ द टूरिस्ट सेशन इज़ वी आर गोइंग टू बी डू सी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द बैश स्क्रिप्टिंग ओके सो आई जस्ट वॉन्ट्स टू टेल यू लाइक वी कम्पलीट विद आर बैश ट्यूटोरियल सो आज हम थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे थोड़े से स्क्रिप्ट्स जो भी हमने अभी तक सीखा है सो द पर्पज़ ऑफ द सेशन इज़ जस्ट एग्जाम्पल ठीक है सो so, सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो है हाउ टू बी चेक द यूजर इज रूट और नॉट ठीक है सिंपल है हम अगर यूजर आईडी चेक करना है तो कैसे करते हैं हम सिंपली यू से फाइंड कर सकते हैं सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि, कि किस तरीके से हम यूजर के बारे में फाइंड कर सकते हैं सो so, यहां पे आ, हम सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं यूजर चेक डॉट एसिट राइट नेक्स्ट थिंग हमें लिखना है यहां पे शी बैंक यहाँ पे दे देते कमेंट चेक The user is root or not, ठीक है तो हम इस तरीके से ये find कर सकते हैं कि यूजर uh, root है कि नहीं उसके बाद next चीज जो है हमें यहाँ पे use करना है if loop, right? If loop use करेंगे and then यहाँ पे हम dollar से ये चेक करेंगे कि user id अगर मेरा जीरो रहेगा सिंपल सी बात है अगर यूजर आईडी जीरो है सो so उसका मतलब क्या है कि वो यूजर क्या है रूट यूजर है सिंपली हमें प्रिंट कर देना है एको यू आर द रूट यूजर है ना राइट right? एल्स अगर जीरो नहीं हुई तो क्या प्रिंट होगा

अभी हम सेम चीज रूट यूजर से लॉग इन करके करते हैं सूर शू टू थ्री एंड तेन हमारा साय ओके okay. ठीक है तो ये बता रहा है यू आर द रूट यूजर ठीक है, so, इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो यूजर है वो रूट है कि नहीं है तो ये सिंपल सा स्क्रिप्ट था जो हमने यूज किया नाउ सेकेंड स्क्रिप्ट जो हम देखेंगे या tool हम try करेंगे, बहुत सिंपल है जिसमें हमें ये देखना है वेबसाइट इज डाउन ठीक है सो so, हम ये चेक करेंगे कि पर्टिकुलर वेबसाइट अप है या डाउन है सो so, सिंपली हम स्क्रिप्ट uh, बनाएंगे नैनो वेब स्टेटस राइट डॉट एस एच यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे शी बैंक ठीक है चेक द वेबसाइट इज और डाउन है? तो यहां पे सबसे पहले तो हम यूज करेंगे पे पे लिखेंगे variable site in and यहां पे हम एक site mention कर देते हैं ठीक है अगर and then do, अभी यहां पे हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे सी, अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन है उसका ये चेक करना है द पर्टिकुलर वेबसाइट इज और डाउन तो मैं सबसे पहले सिंपल सी कमांड लगाती हूँ curl हाइफन कैपिटल आई एंड आप वेबसाइट का नाम लिख दीजिए आपको ये वेबसाइट बताएगा कि अप है कि डाउन है ठीक है जैसे कि ये बता रहा है इट्स मो पर्मानेंटली बट अगेन इट्स रीडरेक्टिंग एस टू द एच टी पी एस ओके सो ये हमें उस वेबसाइट के बारे में बता रहा है सेम वे हमें यहाँ पे यूज करनी है यही कर्ल कमांड ठीक है सो so हम यहाँ पे लिखेंगे इफ कर्ल हाई आई एंड दैट डोमेन सो ओबियसली कॉलिंग दैट वेरिएबल विच ऑज अ साइट राइट एंड उसका जो भी एरर आएगा one, and then वहां से हम फिल्टर करेंगे क्या फिल्टर करेंगे अब यहां से हमें फिल्टर करना है टू हंड्रेड अगर टू हंड्रेड या फिर हमें थ्री जीरो वन रिस्पॉन्स आता है विच इज मूव्ड परमानेंटली सो उसका मतलब क्या है सो so उसका मतलब होगा साइट इज आप साइट इज अप एल्स क्या मतलब होगा द साइट इज डाउन ठीक है तो क्या मतलब होगा साइट क्या है डाउन है सो एफ आई देन इफ क्लोज कर दिया नाउ हमें अभी क्लोज करना है लूप हमारा जो कि है ठीक है नेक्स्ट हमें देनी है एग्जीक्यूटेबल परमिशन तो यहाँ पे हम देंगे वेब स्टेटस डॉट एस एच अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ओके 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 देर तो ये बता रहा है साइट इज डाउन ग्रैप राइट फॉर साइट इन पर्टिकुलर डोमेन डू इफ तक कल आई साइट ग्रैप किया हमने then is up and is down. ठीक है तो अभी ये बता रहा है कि हमें पर्टिकुलर साइट अप है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं आप मल्टीपल डोमेन्स भी देख सकते हैं या फिर आप ठीक है, सो इस तरीके से आप मल्टीपल डोमेन्स भी उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो डोमेन है वो अप है या डाउन है ठीक है तो ये तो था हमारा सिंपल सा टूल uh, जिसमें हमने ये चेक किया नाउ अभी हम एक और स्क्रिप्ट करते हैं विच इज टू फाइंड सिंपल सा स्क्रिप्ट होएगा, एंड हम इसको लिख सकते हैं हाउ टू चेक द सिस्टम इंफॉर्मेशन इसको आप बहुत सिंप्लीफाई वे में अपने अपने तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसे सिंपल स्क्रिप्ट uh, लिखनी है जिसमें आपको uh, पूरे सिस्टम का आपका डिटेल चाहिए जैसे कि यूज़र्स डिटेल्स की यूज़र्स कितने हैं मेरे सिस्टम का फॉर uh, एग्जांपल मुझे यूज़र्स देखना है या फिर मुझे लोड एवरेज देखना है ठीक है तो मैं इन्हीं चीज़ों को सिंगल कमांड में यूज़ कर सकती हूँ या फिर आपको फ्री मेमोरी या फिर यूज मेमोरी वो देखनी है सो इट्स अ वेरी सिंपली आपको पहले लॉजिक अपना क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली कि अगर आपको यूज़र देखना है तो आप क्या देखेंगे आप सिंपल से लगा देंगे यूजर कमांड ये क्या कर देगा आपको जितने भी यूजर हैं सेम वे डेट देखनी है तो आप डेट भी देख सकते हैं एक्टिव uh, यूजर्स देखने हैं तो आप कमांड uh, यूज़ uh, करके एक्टिवली यूजर्स को देख सकते हैं ठीक है अगर आपको uh, आपके सिस्टम इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली आप यू नेम कमांड से आप सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं फ्री मेमोरी स्पेस चाहिए तो आप ऑब्वियसली फ्री कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं सो so अकॉर्डिंगली हम ये कमांड uh, को यूज़ करके या इसक्रिप्ट को यूज़ करके हम सिस्टम का डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं ठीक है सो हम uh, यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाते हैं सिस इन्फो डॉट ठीक है तो यहाँ पे आ, सबसे पहले हम ये लिखते हैं सिस्टम इन्फो ठीक है शिव एग लिख लेते हैं बिन बैश ठीक है सिस्टम इन्फो राइट So, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है होस्ट नेम ठीक है होस्ट नेम राइट सो हम पहले प्रिंट करेंगे हाइफन ई राइट कि क्या प्रिंट करने वाले हैं हम होस्ट नेम तो यहां पे हम लिखेंगे होस्ट नेम इन्फॉर्मेशन ठीक है तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा होस्ट नेम सो होस्ट नेम किस तरीके से लिखेंगे हम लिखेंगे होस्ट नेम सी टी एल तो ये मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा होस्ट नेम राइट आप जो होस्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आप कलर ऑप्शन भी प्रिंट कर सकते हैं यू कैन गिव द कलर ऑप्शंस सो वो आपको किसे रिप्रेजेंट करना है या किस तरीके से आपको उसको डिस्प्ले uh, करना है वो डिफरेंट चीज़ है बट हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं स्क्रिप्ट के ऊपर ठीक है तो ये हमें पूरा का पूरा इसने होस्ट नेम बता दिया कि हमारा सिस्टम का होस्ट नेम क्या है सो इट्स डिस्प्लेइंग ऑल द डिटेल विच इज रिलेटेड टू द होस्ट राइट नाउ आई वांट अ फर्दर डिटेल लाइक जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे फ्री स्पेस या फाइल सिस्टम चेक करना है यूजेस चेक करना है तो वो भी आप उस स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हो अगर आपको चेक करना है तो फॉर एग्जाम्पल डिस्क स्पेस यूजेस मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्क स्पेस सो जैसा आप स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं वैसा आप बना के रख सकते हैं यूजेज राइट right? तो यहाँ पे यूजेस देखने के लिए अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक् टू प्रिंट सो दैट मैं क्या प्रिंट करिए तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आ... डिस्क स्पेस space डिस्क राइट ठीक है तो मेरा डिस्क स्पेस यूजेज आ जा जाएगा सो so, आपको डिस्क स्पेस अगर यूजेज चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हैं सो so, सिंपली आप लिखते हैं डीएफआई सो सेम कमांड आपको यहाँ पे डालना है कुछ आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है सिंपल आप एक एक ही स्क्रिप्ट के अंदर सब चीज़ें प्रिंट करेंगे सिर्फ मैं वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपको ठीक है तो ये चीज़ हो गई अभी आप अगर देखना चाहते हैं तो इसको एक्जीक्यूट करके देख भी सकते हैं सो दिस इज़ माई डिस्क स्पेस यूजेस ओके दिस इज माई होस्ट नेम डिटेल्स सो द सेम वे अगर आपको स्क्रिप्ट में जो भी चीजें ऐड करनी है जैसे कि आपको अप टाइम बताना है लॉगड इन यूजर्स बताना है कि हु इज द करंट लॉगड इन यूजर वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है जैसे कि एक्को पहले कमेंट दे देते हैं करंट लॉगड इन यूजर लॉग इन लॉग्ड इन यूजर राइट सो आई विल प्रिंट येन लिख लेते हैं यहाँ पे करंटली लॉग्ड इन यूजर राइट तो जो भी करंटली लॉग्ड इन यूजर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा उसका कमांड क्या रहेगा हु ठीक है हु कमांड से मुझे ये पता चल जाएगा कि करंटली लॉगड इन यूज़र कौन सा है ओके सो लेट्स रन द कमांड सी एफ एस ठीक है करंटली टी टी वाई सेवन में कौन सा यूज़र लॉगड इन है वो आपको यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया अगेन अगर मुझे ये देखना है कि कितना जो फ्री एंड यूज्ड मेमोरी है अगर मुझे वो भी चेक करनी है तो आई गेस उसका कमांड है फ्री Yes. Uh, तो हम ये फ्री कमांड्स के थ्रू देख सकते हैं तो अगेन गो बैक टू द स्क्रिप्ट जितना आप स्क्रिप्ट बड़ा बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं ओके आई राइट यू ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं फ्री और यूज मेमरी राइट तो यहां पे हम प्रिंट करवा देते हैं एक्को हाइफन ई एंड यहां पे आप लिख सकते सिस्टम फ्री एंड यूज मेमोरी राइट एंड यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है फ्री तो ये मुझे बताएगा फ्री मेमोरी कितना है या फिर यूज मेमोरी कितना है तो वो आप चेक कर सकते सेम वे आप अप टाइम भी चेक कर सकते हो ठीक है अभी कंप्लीट करते हैं ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम अप टाइम ठीक है एक्को हाई ई यहां पे हम लिखेंगे सिस्टम अप टाइम फॉरगेट टू पुट द स्टार्स सिस्टम अप टाइम ठीक है अभी सिस्टम सब टाइम के लिए सिंपल सी कमांड है आपको अप टाइम डालना है वो हमें प्रिंट करवा देगा अप टाइम राइट इसके बाद हम ये और भी बहुत सारी चेक कर सकते हैं कि क्या यू, यूजेस क्या है मेमोरी कितना परसेंटेज ले रहा है या फिर प्रोसेस जो मेमोरी यूजर्स से कौन से पांच ऐसे टॉप प्रोसेस है जो कि मेमोरी को यूज़ करें सो बट अगेन मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ आप स्क्रिप्ट को जितना चाहे उतना बड़ा बढ़ा सकते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे अप टाइम बता रहा है कि उसका अप टाइम क्या है इवन दो आप इस स्क्रिप्ट में जितना चाहे उतना आप इसको कलरफुल में भी कलर्स दे सकते हैं उसका सेंटेक्स डिफरेंट है वो आप यूज़ में अगर लेना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा ये स्क्रिप्ट वेयर वी ट्राई टू बी फाइंड कि किस तरीके से हम सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं ओके okay, सो so, अभी हम एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे विच विल बी आर लास्ट स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट uh, रहेगा कि किस तरीके से हमें जो uh, इसके अंदर यूजर ऐड करना है विद पासवर्ड ठीक है so, सो uh, ये स्क्रिप्ट जो है विच विल बी लास्ट स्क्रिप्ट इज एड यूजर टू लिनिक्स इंक्लूडिंग पासवर्ड सो इस स्क्रिप्ट में हमारा पासवर्ड रहेगा सो so, सबसे पहले आपको तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है ये स्क्रिप्ट के लिए कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमारे यूज़र नेम कहाँ पर है हमारा पासवर्ड कहाँ पर स्टोर होता है और किस तरीके से हम ये चीज़ें स्टोर करते हैं ठीक है सपोज़ आपको यूज़र डिटेल्स चेक करनी है तो आप क्या डायरेक्ट्री में कहाँ पर चेक करते हैं

यूजर विच इज़ एडेड बिकॉज द थाउजेंड ऑनवर्ड जो भी यूजर्स असाइन होते हैं वो रेगुलर uh, यूजर्स रहते हैं सो so, अभी हमें ये स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो लॉजिक समझना है कि यहाँ पर मेरा यूज़र रहता है और इसके पासवर्ड जो रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे ठीक है अभी इसका जो पासवर्ड रहता है वो रहता है इंक्रिप्टड रहता है और ये हैश जो है विद सॉल्टिंग इनक्रिप्टड है ठीक है तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन हुई है विथ सॉल्टिंग हुई है ठीक है तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है तीसरा कि हम ये स्क्रिप्ट ऐड करेंगे यहाँ पे हमें पासवर्ड साथ में देना है तो पासवर्ड जब हम देते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पर्ल का वन लाइनर स्क्रिप्ट यूज में लेंगे जिसकी हेल्प से वो हमारा जो पासवर्ड है वो क्या हो जाएगा इंक्रिप्ट मिलेगा सो तो इंक्रिप्ट पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जो पर्ल का फंक्शन है क्रिप्ट फंक्शन है वो यहां में हम यूज में ले सकते स्क्रिप्ट राइट सो ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है टू क्रिएट स्क्रिप्ट राइट नाउ अभी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं एड यूजर राइट डॉट एस एच सो सबसे पहले आ जाएगा आपका शिविंग स्क्रिप्ट में अगेन जो पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट वी हैव टू बी चेक वेदर द यूजर इज रूट और नॉट तो वही सबसे पहली कंडीशन जो हमें यहाँ पे चेक करनी है तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि जो यूजर है वो रूट है कि नहीं है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट लगाएंगे आई डी स्पेस हाइफन यू जो यूजर है वो इक्वल्स टू जीरो और नॉट अगर तो वो इक्वल टू जीरो है देन क्या होगा हमारा ये पूछेगा रीड हाइफन पी एज ए यूजर नेम ठीक है एंटर द यूजर नेम सॉरी हम यहां पे यूजर नेम डालेंगे ठीक है सो यूज़र नेम हम ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यू यूज़र नेम एज ए इनपुट देन हमारा पासवर्ड रहेगा विच विल बी इन द सीक्रेट तो सीक्रेट के लिए याद अगर रहेगा आपको जब हमने इनपुट यूज़र इनपुट की बात की थी तो हमने एस की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड किया था कि वो सीक्रेटली इनपुट देने के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर द पासवर्ड तो वो हिडन रहेगा ठीक है जो आप यूज़र इनपुट देगा एंड यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड राइट इसको पासवर्ड उसके बाद हम जो यूजर एटीसी पासवर्ड में आएगा उसमें से हमें यूजर नेम जो हम यूजर देगा वो फिल्टर करना विद ई ग्रेप कमांड ठीक है तो हम यहाँ पे विद दिस साइन हम यूजर नेम जो भी रहेगा उसको हम फिल्टर करेंगे उस लिस्ट में हम चेक करेंगे कि वेदर द यूजर नेम एग्जिस्टेड और नॉट ईटीसी स्लैश पासवर्ड जो कि मैंने आपको बताया भी ठीक है अगर एरर आया तो वो कहां पर जाएगा ठीक है उसके बाद अगेन हमारा स्क्रिप्ट रन होगा विच विल बी डॉलर क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू जीरो अगर जीरो रहा सेमिकॉलर देन क्या होगा यूजर नेम एग्जिस्ट एक्को सॉरी टॉलो यूजर नेम एग्जिस्ट राइट तो यूजर नेम एग्जिस्ट है और हम एग्जिट कर देंगे उसके बाद एल्स क्या होगा हम उसको पासवर्ड असाइन कर देंगे विच विल बी द पास जो मैंने आपको पर्ल स्क्रिप्ट के बारे में वन लाइनर बता रही हूँ वो यहाँ पे यूज करेंगे पर्ल ठीक है पर्ल का स्क्रिप्ट रहेगा विच विल बी हाइफ़न ई हाइफ़न प्रिंट ठीक है यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रिप्ट फंक्शन एंड इसके अंदर प्रिंट के जो फंक्शन में हमने पासवर्ड दिया है ऊपर वो हम यहाँ पे देंगे एन ए आर जी बी एंड यहाँ पे रहेगा जीरो ठीक है उसके बाद ये हमारा जो पासवर्ड है ये रहता है सॉल्टिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं पासवर्ड डॉलर पासवर्ड राइट उसके बाद हम स्क्रिप्ट uh, uh, डालेंगे यूजर ऐड का विच इज़ ए यूजर ऐड हाई एम एंड हाईफन पी विच इज़ द पासवर्ड एंड पासवर्ड कहाँ से है वो हमारा पास वेरिएबल जहाँ पे हमने वो पर्ल का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया ये पर्ल का स्क्रिप्ट आता टू ऐड द टू क्रिएटिव हैश पासवर्ड तो ये पर्ल का स्क्रिप्ट रहेगा एंड देन हमारा आएगा यूज़र नेम ठीक है तो ये रहेगा यूजर नेम अभी यहां पे अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू जीरो हम प्रिंट करेंगे यूजर हैज बीन एडेड राइट और एल्स सॉरी आगे हम एक और प्रिंट करेंगे फेल टू एड ए यूजर एल्स पेट में फेल टू एड ए यूजर राइट हमारी एफ आई हम क्लोज करेंगे यहाँ पे एल्स पार्ट हमारा जो हम फर्स्ट यूज़ कर रहे थे विच इज चेक करने के लिए कि हु कैन ऐड द यूज़र अगर वो यूज़र रूट नहीं है तो हम यहां पे प्रिंट करेंगे ओनली रूट यूजर कैन एड ए यूजर एंड यहां पे एक्सिट राइट एंड ये चीज क्लोज हो गई अभी आपको यहां पे ये यह चीज समझनी है कि यहाँ पे अगर नॉर्मल आप एक यूज़र को ऐड करते हो तो आप सिंपल से कमांड यूज करते हो विच इज़ ए यूज़र ऐड सो सेम कमांड हमने यहाँ पे ऐड किया है यूज़र ऐड हाइफन एम एंड यूज़र का वैल्यू हमने ऊपर जो इनपुट लिया है वही सिंपली हमने लिए स्क्रिप्ट बहुत सिंपल है यूज़र ऐड और यूज़र नेम ये है क्योंकि यहाँ पे हमने क्यों यूज़र चेक किया है क्योंकि सिर्फ यू रूट यूज़र को ही राइट रहता है ऐड करने का यूज़र को तो यहाँ पे जो चेक होगा एंड देन उसके अगेंस्ट अगर यूजर नेम एग्जिस्ट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा अगर नहीं होगा तो यूज़र को ऐड करेगा तो यहाँ पे सिंपल से एक पर्ल की स्क्रिप्ट है यहाँ पे यूजर ऐड की अगर स्क्रिप्ट देखेंगे तो यूज़र ऐड हाइफन एम एम मतलब कि होम डायरेक्टरी असाइन करने के लिए एंड हाइफन पी इज़ अगेन जो पासवर्ड मेरा है वो इंक्रिप्टेड है ये ये बताने के लिए यहाँ पे हमने हाइफन पी यूज ऑप्शन करते हैं हाइफन पी विच इज़ द इंक्रिप्टेड पासवर्ड एंड ओब्वियसली वो रिटर्न होगा विद दिस पर्ल स्क्रिप्ट के साथ जो क्रिप्ट फंक्शन के अंदर है ठीक है एंड यहाँ पे यूजर नेम ऑब्वियसली एड हो जाएगा यूजर के अंदर और ये यूजर नेम की यहाँ पे बात हो रही है और जो क्रिप्ट फंक्शन इंक्रिप्टिड पासवर्ड की बात कर रहे हैं वो पर्ल का जो क्रिप्ट फंक्शन है उसी में यूज होता है वो बहुत सिंपल रहता है अगेन uh, वो स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से रहता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे पर्ल एंड देन हाइफन ई एंड ये जो स्क्रिप्ट है ठीक है अभी ये स्क्रिप्ट में हम जो प्रिंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं प्रिंट ठीक है एंड यहाँ पे जो क्रिप्ट फंक्शन है वो इस तरीके का रहता है जिसके अंदर आपका एक तो प्लेन टेक्स्ट रहता है पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड यहाँ पे मेरा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड रहेगा उसके बाद हम ये जो पासवर्ड रहता है ये सॉल्ट वैल्यू में रहता है तो वो हम सॉल्ट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं कि हमारा सॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा जैसे कि वहाँ पे हमने पासवर्ड दिया ठीक है एंड देन हमारा ये ये इस वैल्यू में हमारा जो वो है पासवर्ड वो इंक्रिप्ट होता है सो इन शॉर्ट ये मेरा प्लेन टेक्स्ट रहता है और ये मेरा सॉल्ट वैल्यू रहता है और विद द क्रिप्ट फंक्शन हम इसे पूरे के पूरे पासवर्ड को इंक्रिप्ट करते हैं सो so ये सिंपल सी फंक्शनैलिटी है जो आपको यहाँ पर समझनी समझ है एंड देन उसके रिटर्न में आपको यहाँ पे मिलता है एक पासवर्ड एंड चाहे तो आप इसको एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं इस, इस पर्ल की स्क्रिप्ट को ठीक है तो हम अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं इस स्क्रिप्ट को सी एच मोड प्लस एक्स एंड एड यूजर राइट अभी हम इसे ओके इलेवन एंड नाइनटीन ये कुछ एरर है एक्सिट ओके So, I guess I have to give here exit, multiple exit. Exit one. Exit. Okay and further I have a error on line number nineteen. Let me check now. Enter the username Savita enter the password fail to add a user. are the line number 13 okay okay ओके सो यूज़र हमारा ऐड हो गया राइट right? सो so, इस तरीके से आप जो यूज़र है उसे ऐड कर सकते हैं यूज़र हमारा ऑलरेडी एक्जिस्ट है बिकॉज ऑलरेडी ऐड हो गया सो दिस इज़ द सिंपल स्क्रिप्ट वेयर यू कैन जस्ट ऐड द यूज़र हमारा ऑलरेडी यूज़र ऐड हो गया था इसके लिए इसने हमें बोल दिया कि यूज़र ऐड हो गया है ठीक है सो यूज़र हैज़ बिन एडेड Okay, I have a one error within the crypt called me. No. Okay. Given the wrong okay. Pass pull hyphen E print XE. ah uh, okay, my bad c r y p t x okay so now the user has been added right i did not given the next line so that's why it's printing on the same line but the password is hidden which i typed right so is the case जो है वो यूजर को ऐड कर सकते हैं विद दिस स्क्रिप्ट राइट सो ये था हमारा स्क्रिप्ट टू ऐड द यूजर्स सो नाउ विद दिस स्क्रिप्ट आई एड द थ्री यूजर्स सविथ टेस्ट एंड द डेमोस राइट सो आई होप इट्स क्लियर टू यू हाउ टू ऐड द यूजर विद द स्क्रिप्टिंग सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन आई होप यू एंजॉयड दिस टूटोरियल Okay, so that's it. So thank you guys and Rab Raka.